नमस्कार। फिफ्थ क्लास, मैं पूनम शर्मा, हिंदी की टीचर, आपके लिए पार्ट 3 कुदर्क साई लेकर आई हूँ। ध्यान से सुनिएगा और समझना, बहुत अच्छी कहानी है, आपको पढ़ने में बहुत अच्छी लगेगी। साई, ओ साई, एक लड़के ने पुकारा। साई ने घूमकर देखा कि एक 8 वर्ष का बालक उसे पुकार रहा था। आज कई दिन बाद उस मोहल्ले में साई दिखाई पड़ रहा था। साई वैरागी था, माया नहीं, मोह नहीं, परंतु कुछ दिनों से उसकी आदत पड़ गई थी कि दोपहर को मोहन के घर जाता, अपने 2-3 गंदे गुदड़ यतन से रख कर उन्हीं पर बैठ जाता और मोहन से बातें करता था। कभी कभी मोहन उसे पिता की नज़रें बचाकर कुछ साग रोटी लाकर दे देता था। उस समय साई के मुख पर पवित्र मैत्री के भाव का साम्राज्य छा जाता था। गुदड़ साई उस समय 10 वर्ष के बालक के समान बन जाता था। कभी कहता था कि मुझे भूख नहीं लगी, परंतु सहारना और उल्हाना के बाद आदान प्रदान के बाद उसे बड़े चाव से खा लेता। मोहन की दी गई रोटी साग खाकर उसके चेहरे पर तृप्ति के भाव आ जाते थे। एक दिन मोहन के पिता ने देख लिया कि वे बहुत बिगड़े। मोहन को फटकारा कि वह इन लोगों के साथ बातें न किया करे। यह सुनकर साई हंस पड़ा और चला गया। उसके कई दिन बाद साई आया। यह जानबूझकर मोहन के घर की ओर नहीं गया। मोहन लौट रहा था। उसने गुदड़ साई को देख लिया, उसे पुकारा, साई, ओ साई। साई लौट आया। मोहन प्यार से बोला, अच्छा कल जरूर आना, भूलना मत। इतने में एक दूसरा लड़का साई का गुदड़ खींचकर भागा। गुदड़ लेने के लिए साई उस लड़के के पीछे दौड़ा। मोहन खड़ा देखता रहा। देखते ही उसकी साई आँखों से ओझल हो गया। चौराहे तक दौड़ते दौड़ते साई को ठोकर लगी, वह गिर पड़ा। फिर सिर से खून बहने लगा। खिंच जाने के लिए जो लड़का उसका गुदड़ लेकर भागा था, वह डर कर ठिटक गया। वहाँ से मोहन के पिता गुजर रहे थे। उन्होंने एकदम उस लड़के के चपत लगाए। साई उठकर खड़ा हो गया। करुण स्वर में बोला, मत मारो मत मारो, चोट आती होगी। लड़के को छुड़ाने का प्रयास करने लगा। मोहन के पिता ने साई को पूछा, तो चीथड़े के लिए दौड़ते क्यों थे? सिर फटने पर भी जिसको रुलाई नहीं आती थी, लड़के को रोते देखकर उस साई की आंखों में भी आंसू आ गए। वह बोला, बाबा मेरे पास दूसरी कोई वस्तु नहीं, दूसरी कौन सी वस्तु है जिसे देकर इन बाल रूप भगवान को प्रसन्न करता? मोहन के पिता बोले, क्या तुम इसलिए गुदड़ खरीद रखते हो? साई सरल भाव से बोला, इन चीथड़ों को लेकर भागते ईश्वर और मैं उनसे झगड़ कर छीन लेता हूँ, रखता हूँ, फिर उन्हीं से छिनवाने के लिए सोने का खिलौना तो उच्चक्के भी छीन लेते हैं, पर चीथड़ों पर तो ईश्वर ही दया करते हैं। इतना कहकर साई बालक का मुँह पोंछते हुए मित्र के समान गलबाही डाले हुए चला गया और मोहन के पिता यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। धन्यवाद।